हरियाणा में पराली जलाने को लेकर सख्ती के बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही। ऐसा ही ताजा मामला जींद जिले से आया, जहां रात के अंधेरे में किसान अपने खेतों में पराली को आग लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखें। हरियाणा में पराली जलाने को लेकर सख्ती के बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सरकार किसानों पर FIR दर्ज और जुर्माना लगा रही है, वहीं किसान भी अंधेरे की आड़ में पराली जला रहे हैं। जी हां, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं जींद जिले की हैं, जहां रात के अंधेरे में किसान अपने खेतों में पराली को आग लगा रहे हैं। बता दें कि किसानों की तरफ से पराली को आग लगाने से प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कृषि विभाग की तरफ से अब तक 95 FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं। 68 किसानों पर 2,30,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया, वहीं 149 किसानों के पोर्टल में रेड एंट्री की जा चुकी है। बावजूद इसके किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को चेतावनी दे रही हैं। प्रदूषण बढ़ने के बावजूद जींद में फसल के अवशेषों को लगातार आग लगाई जा रही है। मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया गया। विभाग द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पराली के प्रबंधन में पूरी तरह से निष्ठा से काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी गांव स्तर पर सभी किसानों को आगाह किया जा रहा है, मियादी करवाई जा रही है। प्लस में हमारे जो सभी अधिकारी कर्मचारी फील्ड में हैं, अभी तक हमारे द्वारा 95 FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा 68 लोगों को हमने जुर्माना वसूल किया है, जो लगभग 2,30,000 के करीब जुर्माना है। इसके अलावा 149 किसान जो है उनके रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। बहरहाल, प्रदूषण फैलाने और सरकार के आदेशों की अवमानना करने के आरोप में कई किसानों पर FIR दर्ज हुई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि पिछले सप्ताह से जींद का AQI 300 के पार बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके किसान अंधेरे में पराली जला रहे हैं। जींद से गुलशन चावला की रिपोर्ट।